अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5। टुडे वी विल रीड लेसन 3, काइंड्स ऑफ मैप। इफ यू गो टू अ पार्क, यू सी अ मैप बिसाइड द मेन गेट दैट डिस्क्राइब डायरेक्शंस, सिंबल्स, रूट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द पार्क। अगर आप किसी पार्क में जाते हैं तो आपको मरकजी गेट के साथ एक नक्शा नज़र आता है जिसमें सिमतों, अलामतों, मुख्तलिफ हिस्सों के रास्तों और पार्क में अशिया की जगह की वजाहत होती है। अ मैप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स टू एक्सप्लोर अ प्लेस बिकॉज इट इज़ अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स, ईच मैप गिव्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस। किसी मकाम को तलाश करने के लिए नक्शा एक सबसे अहम टूल है, क्योंकि ये किसी चपटी सतह पर किसी जगह की ड्राइंग होती है। तरह तरह के नक्शे हैं, हर नक्शा एक जगह के बारे में मुख्तलिफ मालूमात देता है। फॉर एग्जाम्पल, सम मैप्स शो मेजर लैंडफॉर्म्स और फिजिकल फीचर्स वाइल अदर्स शो द बाउंड्रीज एंड लोकेशन ऑफ अ कंट्री। कुछ नक्शे हमें बड़े लैंडफॉर्म्स या फिर जिस्मानी खसूसियात दिखाते हैं, जबकि जो दूसरे नक्शे होते हैं वो हमें सरहदें या फिर किसी भी मुल्क की जो लोकेशन होती है वो ज़ाहिर करवाते हैं। वाट शुड वी डू टू फाइंड अ प्लेस, किसी भी जगह को तलाश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नीड टू चूज अ सूटेबल टाइप ऑफ मैप। सबसे पहले हमें किसी मुनासिब नक्शे को इंतखाब करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ फिशरमैन वॉन्ट्स टू गो फिशिंग। मिसाल के तौर पर एक मछेरा मछली पकड़ने जाना चाहता है, मछेरा यानी कि वो जो मछलियों का शिकार करते हैं। ही मस्ट नो वेयर एग्जैक्टली द रिवर साइड, उसे ये लाजमी पता होना चाहिए कि दरिया का किनारा कहाँ है। ही नीड्स टू सेलेक्ट अ मैप दैट शो द लोकेशन ऑफ द रिवर। उसे एक नक्शे का इंतखाब करना ज़रूरी है जो उसे दरिया की लोकेशन बताए, यानी कि दरिया का मकाम बताए कि दरिया कहाँ पर है। यूजिंग दैट मैप ही कैन गेट टू द रिवर साइड, इस मैप को, इस नक्शे को इस्तेमाल करके वो दरिया किनारे तक जा सकता है। लेट्स एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स हेल्प अस। आए दरियाफ्त करते हैं कि जो मुख्तलिफ इकसामों के जो नक्शे होते हैं वो हमारी मदद किस तरह कर सकते हैं। थीमेटिक मैप, अ मैप दैट फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक थीम कनेक्टेड टू अ पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड अ थीमेटिक मैप। एक नक्शा जो किसी खास ज्योग्राफिया इलाके से मुंसलिक किसी मखसूस थीम पर फोकस करता है, इसे थीमेटिक नक्शा कहा जाता है। दीज मैप्स इंक्लूड थीम्स अबाउट पॉपुलेशन, लैंग्वेजेस, एवरेज रेनफॉल etc। इन नक्शों में आबादी, ज़बानें, औसत बारिश वगैरह के मसनूआत शामिल हैं। दीज मैप्स यूज शेड्स, लाइन पैटर्न्स और डॉट टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर थीम। ये नक्शे किसी ख़ास थीम की निशानदेही करने के लिए शेड्स, लाइन पैटर्न या नुक्तों का इस्तेमाल करते हैं। If we want to know the theme of the 10 largest countries in the world, we will consult a thematic map. अगर हम दुनिया के 10 बड़े ममालिक का मौजू जानना चाहते हैं तो हम एक मौजूआती नक्शा से मशवरा करेंगे। Can you locate Muslim countries on the world map? क्या आप मुस्लिम ममालिक को दुनिया के नक्शे पर तलाश कर सकते हैं? Political map, सियासी नक्शा। A political map shows the बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज एज वेल एज कैपिटल्स, मेजर सिटीज एंड बॉडीज ऑफ वाटर। एक सियासी नक्शा रियासतों और ममालिक के साथ साथ दारुल हुकूमतों, बड़े शहरों और आबी इदारों को जाहिर करता है। डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो कंट्रीज एंड सिटीज। अ कॉमन टाइप ऑफ पोलिटिकल मैप कैन हेल्प अस टू फाइंड कैपिटल सिटीज एंड बाउंड्रीज। ममालिक और शहरों को दिखाने के लिए मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। एक आम किस्म का सियासी नक्शा दारुल हकूमत के शहरों और
हदूद को तलाश करने में हमारी मदद कर सकता है। फिजिकल मैप, जिस्मानी नक्शा। अ फिजिकल मैप शोज द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ प्लेस सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, लेक्स एंड रिवर्स। जिस्मानी नक्शा किसी जगह की जिस्मानी खसूसियात को जाहिर करता है, जैसे पहाड़, मैदान, झील और दरिया। डिफरेंट कलर्स एंड शेड्स आर यूज टू शो प्रोमिनेंट फिजिकल फीचर्स। नुमाया जिस्मानी खसूसियात को जाहिर करने के लिए मुख्तलिफ रंगों और शेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली ब्लू इज यूज टू शो वाटर बॉडीज, ग्रीन इज यूज टू शो प्लेन एरियाज एंड ब्राउन इज यूज टू शो माउंटेन्स। आमतौर पर नीले रंग को आबी ज़खायर को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो पानी की जो जितना भी पानी हमारे ऊपर नक्शे के पास शो हो रहा होता है उस जगह को दिखाने के लिए। सब्ज रंग का इस्तेमाल सीधे इलाकों को दिखाने के लिए, सब्ज रंग यानी जो ग्रीन जो रंग होता है वो, और भूरा रंग जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है पहाड़ों को जाहिर करने के लिए। वन शुड सी अ फिजिकल मैप इफ वन वॉन्ट्स टू नो द लोकेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस, प्लेन एरिया एंड डेजर्ट्स। अगर कोई पहाड़ी सिलसिलों, सादा इलाकों और सहराओं का मकाम जानना चाहता है तो इसे कोई जिस्मानी नक्शा दिखाना चाहिए। रोड मैप, सड़क का नक्शा। अ रोड मैप शोज रोड्स, हाईवेज, रेलवेज एंड अदर इम्पॉर्टेंट लोकेशन ऑफ एन एरिया सच एज हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, पार्क्स, प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स ईटीसी। सड़क के नक्शे में सड़कें, शहरतें, रेलवे और किसी इलाके के दूसरे अहम मकाम जैसे अस्पताल, हवाई इदारे, पार्क्स, मुमताज़ इमारतें वगैरह दिखाए जाते हैं। रोड मैप्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इफ़ अ पर्सन वांट्स टू गो टू अ स्पेसिफिक प्लेस। अ रोड मैप विल बी हेल्पफुल टू फाइंड डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सड़क के नक्शे सबसे ज़्यादा आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगर कोई शख्स किसी मखसूस जगह जाना चाहता है तो सड़क का नक्शा दो नुकात के दरमियान सिमत और फासला तलाश करने में मददगार साबित होगा। सब कॉन्टिनेंट ऑन मैप्स, मैप्स पे बर्रे आज़म। मैप्स आल्सो टेल अस व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। मैप जो है, ये नक्शे जो हैं, ये हमें ये भी बताते हैं कि तारीख में क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे लुक एट द मैप्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए नक्शों को देखें। सब कॉन्टिनेंट बिफोर 1947 से जो पहले सब कॉन्टिनेंट था, बर आज़म था, वो कुछ इस तरह का था। सब कॉन्टिनेंट टुडे, जो अब का बर आज़म है, वो कुछ इस तरह का है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुल्क हैं वो सेपरेट हुए हुए हैं, और यहाँ आप देखें तो ये पूरा एक ही है। द ग्रीन मैप शोज द सब कॉन्टिनेंट व्हेन पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश वर वन कंट्री। हरा नक्शा उस बर्रे आज़म को जाहिर कर रहा है जब पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश एक ही मुल्क थे। इन 1947 पाकिस्तान वाज क्रिएटेड एज अ होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान सीसीड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान एंड इमर्ज्ड एज अ सेपरेट कंट्री known as Bangladesh on the map. Today the subcontinent is divided into three countries as shown on the second map. 1947 में पाकिस्तान मुसलमानों को एक आबाई वतन को तौर पर तश्कील दिया गया था, और 1971 में मशरिकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलग हो गया और नक्शे पर एक अलहदा मुल्क जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था के तौर पर उभरा। दूसरे बरखास्त के मुताबिक बरे सगीर को आज तीन ममालिक में तकसीम किया गया है। ऑरेंज शोज पाकिस्तान, ग्रीन शोज इंडिया एंड येलो शोज बांग्लादेश। मैप पर, नक्शे पर जो ऑरेंज रंग है वो पाकिस्तान को जाहिर करता है, हरा रंग जो है वो इंडिया को जाहिर करता है, और जो पीला रंग है वो बांग्लादेश को जाहिर करता है। मैप स्केल, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू विल हैव टू कवर सम डिस्टेंस।
दिस डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन किलोमीटर्स माइल्स ईटीसी। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आपको कुछ फासला तय करना पड़ेगा। ये फासला किलोमीटर, मील वगैरह में नापा जा सकता है। वाइल ड्राइंग अ मैप दिस डिस्टेंस हैज़ टू बी स्केल्ड डाउन टू फिट ऑन द मैप। फॉर एग्जाम्पल, 1 किलोमीटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। नक्शा खींचते वक्त नक्शे पर फिट होने के लिए इस फासले को कम करना होगा। मिसाल के तौर पर 1 सेंटीमीटर के ज़रिए 1 किलोमीटर का की नुमाइंदगी की जा सकती है। मैप्स ऑलवेज हैव अ स्केल। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट और अ बार। नक्शा जात का एक हमेशा पैमाना होता है। यह बयान या बार की शक्ल में लिखा जाता है। लेक्सिकल स्केल। इन दिस स्केल डिस्टेंस कन्वर्जन इज गिवन इन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर। इस पैमाने में फासले की तब्दीली को अल्फाज में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मिसाल के तौर पर 1 सेंटीमीटर जो होता है वो इसमें 1 किलोमीटर के बराबर होता है। दीज मीन्स दैट ईच सेंटीमीटर ऑन अ मैप शोज 1 किलोमीटर ऑन अर्थ। इसका मतलब यह है कि नक्शे पर हर सेंटीमीटर ज़मीन पर 1 किलोमीटर का फासला दिखाता है। लीनियर स्केल। वी कैन आल्सो शो अ स्केल बाय अ बार दैट लुक्स लाइक अ स्मॉल रूलर। हम एक पैमाने पर भी एक स्केल दिखा सकते हैं जो एक छोटे हुक्मरान की तरह लगता है। इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर स्केल। इट इज़ अ मेजर्ड लाइन मार्क्ड एट इंटरवल्स टू शो डिस्टेंसेस ऑन द ग्राउंड। इसे खती पैमाना कहा जाता है। ये एक नाप की कई लकीर है जो ज़मीन पर फासले जाहिर करने के वक्फे से निशान जद होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लेक्सिकल स्केल जो है वो 1 इंच इक्वल टू 1 माइल। 1 इंच जो है इसमें 1 माइल के बराबर में है। और ये लीनियर स्केल जो है वो देखें इस तरह से माइल को शो करवाता है। तो बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आपको ये पता चला होगा कि हमारे पास कितने किस्म के मैप्स हैं और हम उनको किस तरीके से किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस लेसन को पढ़िएगा और अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।